हमको क्वेश्चन दिया है एक्सपेंड 2x³ प्लस 7x² प्लस cx-1 इन पावर ऑफ x-2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेलर सीरीज से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखो पहले क्या करते हैं, इसको x-2 के पावर में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो टेलर सीरीज क्या होता है, कोई भी अगर फंक्शन है f(a+h) और इसको अगर आप h के पावर में एक्सपेंड करना चाहते हो, f(a+h) को h के पावर में एक्सपेंड करना चाहते हो, तो कैसे एक्सपेंड करोगे, पहले f(a) लिखोगे प्लस यच f'a, f'a का मतलब f का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, फिर क्या करोगे, h² / 2 f" a करोगे, फिर h³/3 f" a, ऐसे करते रहोगे। ठीक है, तो देखो हमको क्या मालूम है, टेलर सीरीज के अंदर अगर f(a+h) की तरह कुछ चीज़ बन जाए और अगर अगर h के पावर में एक्सपेंड करना है तो ऐसे एक्सपेंड करेंगे, और लेकिन हमको दिया क्या है, ये दिया है और इसके पावर में एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो कुछ करके अगर इस फॉर्म में हम बना ले तो आराम से इस पैटर्न को फॉलो करके इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये दिया क्या है, पहले मान लेते हैं उसी को, लेट f(x) = वही दे रखा है, क्या दे रखा है, 2x³ + 7x² + x-1। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कोई इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लस 1 ऐड भी करते हैं, प्लस 1 सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग प्लस 1, सॉरी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जिससे होगा क्या, ये क्या बन जाएगा, आपका जो एफ एक्स है वो बन जाएगा 2x³ + 7x² + x-1, तो था ही प्लस 1 - 1 अलग से कर लिया, जिससे हुआ क्या, ये वाला पोर्शन देखो -1 - 1, ये क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो आप। ठीक है, आप इसको क्या लिखो, x-2 + 1 है ना, तो इसको क्या लिखो, 2x³ + 7x² + 1 + x-2 लिख दो। ठीक है, अब देखो इसको देखो और इसको देखो, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना था, x-2 के पावर में एक्सपेंड करना था, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, जब आप h के पावर में एक्सपेंड कर रहे हो। अब देखो ये आगे वाला पोर्शन क्या आप बिहेव करेगा, ये a की तरह बिहेव करेगा, और इसके पावर में एक्सपेंड करना है वो h की तरह बिहेव करेगा, बस करना क्या है, अपनी वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, पहले किसका वैल्यू चाहिए हमको, f(a) का, f(a) करने का मतलब हमको इसका वैल्यू चाहिए, f(2x³ + 7x² + 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखा जाए, उसके लिए आप यहाँ पर देखो किसके पावर में एक्सपेंड करना है, x-2 के, तो x-2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 के बराबर आ गया, तो x का वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का वैल्यू @x = 2 निकालते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, हर जगह 2 रखो, 2 2 2, मतलब क्या 8 16 हो गया ये, और ये 4 28, और ये 1 कितना हो गया, 44 45, तो कितना मिल गया, ये फंक्शन का वैल्यू @x = 2 कितना मिल गया, 45 मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट निकल गया, h का वैल्यू ये है, f(a), क्या करते हैं, f को पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे सभी देखो वेरिएबल x है। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, f(a) मिलेगा, तो क्या मिलेगा वो आपका 2x³ डिफरेंशिएट करो, 2 6 हो गया, x² + 14x इतना ही हो गया। अब क्या करो, इसके अंदर भी x का वैल्यू 2 रखो, तो क्या मिलेगा आपको, f'2 मिलेगा, कितना मिलेगा, 6 × 4 = 24 हो गया, यहाँ पे 2 2 = 4 6 = 24 प्लस कितना मिलेगा, 28, कितना हो गया ये, 52 हो गया। ठीक है, तो कितना लिखा जाए, 52, तो f'a कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, डॉट डॉट लगा के लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो यार ये मैं टेलर सीरीज क्या होता है, इन्फिनेटली बढ़ता रहता है, कितना भी टर्म लिखो उसके लिए कमी पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इतने पे रोक देते हैं। ठीक है, चल इतने पे ही रोक देते हैं और कुछ आगे की बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, f(a+h) की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, हो गया, चल। और एक बात नोट करो, ये टेलर सीरीज इनफाइनाइट तक एक्सपेंड होता है, लेकिन ये जो है ये इनफाइनाइट तक एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इसको देखो, f'a किया तो इतना आया, f" करोगे
तो कितना हो जाएगा 12x+14 आ जाएगा। और अगर f 3π - a करोगे तो सिर्फ 12 आने वाला है कांस्टेंट नंबर, उसके बाद तो वो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, तो इसको आप यहाँ तक कर सॉल्व कर सकते हो f 3π तक। ठीक है, हम क्या करते हैं दो ही टर्म तक लेके जाते हैं। अरे यार कोई बात नहीं, हमारे पास वैल्यू यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो f क्या क्या करना है, 2x³ +7x² + 1 + x - 2 को एक्सपेंड करना। तो पहले क्या आएगा, f(a) का वैल्यू कितना है, 45 है, 45 हो गया, प्लस h की जगह पे क्या है x - 2 है। फिर क्या करोगे, f डैश a का वैल्यू 52, तो यहाँ पे क्या आएगा 52 प्लस h² / 2 f" जो भी वैल्यू आए आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, h की जगह पे क्या लिखोगे, यही वाला वैल्यू ये वाला लिख देना x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, h का स्क्वायर अपनी से 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद f" a का वैल्यू जो भी आए यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, ये मिल गया हमको फाइनल रिजल्ट। ठीक है, नोट करूँ।